हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। सो आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस रिगार्डिंग ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का अगर आपने देखा होगा लास्ट के एग्जाम्स में, सो इस टॉपिक से आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम एनालिसिस करें लास्ट जितने भी आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, तो आई थिंक 25+ आई कैन से इतने क्वेश्चंस यहाँ से देखे गए हैं। ठीक है, तो अब ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम CSIR नेट के उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सो इसके रिगार्डिंग किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, उसी की आज हम प्रैक्टिस जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, द डेवलपमेंट ऑफ एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ ड्रोसोफिला इज इनिशिएटेड व्हेन। अब देखो यहां से कहां से क्वेश्चन क्या आया, दैट इज फ्रॉम एक्सिस फॉर्मेशन। ठीक है, एक्सिस फॉर्मेशन से क्वेश्चन है, यहीं से आपके मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। और एक्सिस फॉर्मेशन में भी अगर मैं बेसिकली बात करूं किधर से क्वेश्चंस आते हैं, सो जीन्स, जो भी जीन्स आपके इन्वॉल्व हैं इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सिस। अब एक्सिस अगर आप ड्रोसोफिला पूरा कंप्लीट अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप फेमिलियर होंगे कि क्या क्या बेसिकली हम पढ़ते हैं। एक हम एंटीरियर पोस्टीरियर AP एक्सिस पढ़ते हैं और एक हम DV एक्सिस, इनकी स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे जीन्स आते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, ठीक है, पेयर रूल जीन्स, गैप जीन्स, बहुत सारे जीन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ड्रोसोफिला की जब हम डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करते हैं और इन्हीं टॉपिक से आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। अब यहाँ भी आप देख सकते हो क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्वेश्चन आया है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर। ठीक है, कि कैसे जो है वो इनिशिएट होती है डेवलपमेंट। सो ऑप्शन ए है, द मदर पैकेजेस बाइक्वाइड एंड नैनोस mRNA इनटू द डेवलपिंग ओसाइट, या फिर द टोल रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू न्यूक्लियर लोकलाइजेशन ऑफ डॉर्सल प्रोटीन, सी इज द टर्मिनल ग्रुप प्रोटीन टॉर्सो सेट्स अप द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल्स ऑफ द एम्ब्रियो, डी इज द होमियोटिक जीन स्पेसिफाई द फेट ऑफ इंडिविजुअल सेगमेंट्स। नाउ अगर आपने AP एक्सिस ड्रोसोफिला की पढ़ी है सो आप कुछ तीन टाइप के आप बोल सकते हो जीन्स देखते हो। ठीक है, जीन्स मतलब क्लास। जैसे अगर मैं बात करूं इंटीरियर एक्सिस के लिए तो कौन से मेजरली फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर द बाइक्वाइड एंड अलोंग विद बाइक्वाइड हंचबैक जो है वो भी होता है। ठीक है, अगर मैं पोस्टीरियर एक्सिस की बात करूं तो पोस्टीरियर एक्सिस में आपका आता है नैनोस, अलोंग विद नैनोस कॉडल भी होता है। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं कि जो आप बोल सकते हो एक सेगमेंट सेगमेंट और यू कैन से स्पेसिफाई कौन करता है, तो एक आपका टॉर्सल टर्मिनल जो आप बोल सकते हो उसके लिए आपका आता है टॉर्सो। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग जो आपके टर्मिनल्स हैं, एंड अगर टर्मिनल्स कितने होते हैं, एक आपका इंटीरियर में भी टर्मिनल होगा, एक जो पोस्टीरियर है उसके टर्मिनल को हम टेल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टेल फॉर्मेशन के लिए तो सिंगल टॉर्सो चाहिए, एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे हेड फॉर्मेशन के लिए तो टॉर्सो के साथ यहाँ पे बाइक्वाइड भी चाहिए होता है, तब फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम थ्योरी में पढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे बोला गया है कि एपी एक्सिस कैसे जो है वो वहां पे फॉर्म होती है। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इंटीरियर के लिए बाइक्वाइड है मेजरली अलोंग विद हंचबैक, पोस्टीरियर के लिए नैनोस है, तो मदर पैकेजेस करेक्ट लग रही है, लेकिन हम फिर भी पूरी श्योरिटी के लिए सारी स्टेटमेंट्स को गो थ्रू करेंगे। नाउ बी इज द टोल रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू न्यूक्लियर लोकलाइजेशन ऑफ डॉर्सल प्रोटीन। डॉर्सल प्रोटीन आपकी वेंट्रल डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में आती है, यहाँ पे नहीं आती, सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखो होता क्या है, आपके मेटर्नल जीन्स होते हैं जो कि मेटर्नल mRNA प्रोड्यूस करते हैं, मेटर्नल mRNA फर्दर क्या बनाएंगे, मेटर्नल जो उनसे प्रोटीन्स बनेंगी वही प्रोटीन्स हैं आपकी बाइक्वाइड हंचबैक नैनोस कॉडल टॉर्सो। ठीक है, तो ये स्पेसिफाई करती है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को। Now C is the terminal group protein torso set up interior and posterior poles of the embryo. ठीक है, next is the homeotic gene specify the fate. ठीक है, अब हमें पूछा है interior posterior, तो interior posterior के लिए majorly हमारे responsible हैं bicoid and nanos, तो हमारा option A जो है वो यहाँ पे correct option हो जाएगा। ठीक है, so option, the correct option would be option A.
सो अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकोगे, ठीक है? तो एक बार आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है तभी आप, और विदाउट, अगर आप ऐसे ही जाओगे कि हाँ हम सॉल्व कर लेंगे, विदाउट थ्योरी आप ये सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक बार थ्योरी से गो थ्रू आपको जरूर होना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट व्हिच वुड लीड टू डॉर्सलाइज्ड एम्ब्रियो. अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है आपका डीवी एक्सिस से, ठीक है, कि एक एम्ब्रियो है वो डॉर्सल ही फेट ले रहा है, वेंट्रल फेट नहीं है, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इज इट कैक्टस म्यूटेंट, इज इट टॉल म्यूटेंट, डॉर्सल म्यूटेंट, बाइकॉइड म्यूटेंट? अब यहाँ से देखो, बाइकॉइड तो आप सेफ एलिमिनेट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में है, डीवी एक्सिस में बाइकॉइड का जो है वो रोल नहीं आता. अब जब भी आप डीवी एक्सिस पढ़ते हो ना, तो आप एक चीज यहाँ पे देखते हो, एक प्रोटीन आती है दैट इज डॉर्सल, ठीक है, डॉर्सल, नाम डॉर्सल है लेकिन काम क्या करती है, काम करती है ये वेंट्रल फेट देती है टू द एम्ब्रियो, ठीक है, नाम इसका डॉर्सल है लेकिन अगर हम बात करें फेट, फेट देती है वेंट्रल इन वाइल्ड टाइप नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन यही डॉर्सल जब क्या हो जाती है, म्यूटेट हो जाती है या म्यूटेंट फॉर्म में आपको डॉर्सल देखने को मिलती है. सो आपको, अब देखो नॉर्मल वेंट्रल फेट है, अगर ये म्यूटेटेड हो जाएगी तो कौन सा फेट ले लेगी, फेट हो जाएगा एम्ब्रियो का, दैट वुड बी डॉर्सल, ठीक है, डॉर्सल फेट आपको देखने को मिलेगा. इन व्हाट फॉर्म, इन म्यूटेंट फॉर्म, ये आपने ध्यान रखना है, और इसी के नाम पे इसका नाम डॉर्सल रखा गया था कि जब म्यूटेटेड है तब ये डॉर्सल फेट देता है एम्ब्रियो को, दैट्स व्हाई इसका नाम ही जो था वो डॉर्सल रख दिया, राइट. सो हमसे पूछा गया है विच वुड लीड टू द डॉर्सलाइज्ड एम्ब्रियो, सो आपका डॉर्सल प्रोटीन में जब म्यूटेटेड म्यूटेशन आ जाएगी, म्यूटेटेड फॉर्म आपके पास प्रेजेंट होगी, दैट विल लीड टू द डॉर्सलाइज्ड एम्ब्रियो, अदरवाइज नॉर्मल उसमें ये क्या बनाती है, वेंट्रल बनाती है. सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन. Next is a gap gene mutation might cause which of the following defects in the embryonic body plan. अब देखो gap genes जब आप पढ़ते हो ना, तो gap gene में mutation बोली गई है, ठीक है. gap gene basically क्या है, जब आप पूरी drosophila की development पढ़ोगे आप क्या देखोगे, body बनेगी, उसके बाद segments होंगे, फिर para segments, तो सबके बीच में एक particular gap होता है, और जब भी ये गैप जीन्स जो उसके लिए स्पेसिफाई करते हैं पूरी की पूरी डेवलपमेंट को, जब भी इनमें जो भी गैप जीन्स हैं इनमें जब भी म्यूटेशन आती है, डिफेक्ट आता है, रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलता है, लार्ज गैप्स बिटवीन द सेगमेंट्स और द पैरासेगमेंट्स, उन्हीं के बेसिस पे इसका नाम दिया है गैप जीन्स. सो ऑप्शंस हैं चार, वो देख लेते हैं. फर्स्ट इज एवरी अदर सेगमेंट वुड बी मिसिंग रिजल्टिंग इन T1 T3 A2, A4. Now, बोला क्या गया है? That thorax 1, 2 missing हो जाएगा, then thorax 3 ऐसा आ जाएगा. Then abdomen 1 missing है, यहाँ पे abdomen 2 आ जाएगा, 3 would be missing, 4 so on. ऐसे होगा, मतलब एक एक आप बोल सकते हो सेगमेंट का यहाँ पे गैप, एक सेगमेंट का सिर्फ गैप बोला है, ठीक है. सेकंड में बोला है सेगमेंट A2 थ्रू A6 वुड बी मिसिंग. नाउ यहाँ पे बोला है एबडोमन के A1 है, तो यहाँ से A6 तक मिसिंग होंगे, देन A7 से इतना गैप आपको देखने को मिलेगा, लार्ज गैप देखने को मिलेगा, ठीक है. बट रेस्ट ऑफ द पैटर्न इज एसेंशियली नॉर्मल. सी इज नो सेगमेंटेशन वुड बी एविडेंट. डी इज पैटर्निंग विद इन ईच सेगमेंट वुड बी एबनॉर्मल, कॉजिंग फॉर एग्जाम्पल डेंटिकल बेल्ट्स टू फॉर्म अक्रॉस द एंटायर सेगमेंट्स. नाउ गैप जीन्स में क्या होता है ना, गैप जीन्स में जब भी म्यूटेशन आती है तो आपको लार्ज गैप्स देखने को मिलते हैं. अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें लार्ज गैप्स कहाँ देखने को मिल रहे हैं, जहां पे आपका T2 से लेके T6 तक पूरा के पूरा एक होल सेगमेंट जो है, इतने सारे आपके थोरैसिक सेगमेंट सब मिसिंग है, तो आपको क्या रिजल्ट आएगा कि एक लार्ज गैप आपको से देखने को मिलेगा, ठीक है. सो वही गैप जीन्स म्यूटेशन का रिजल्ट है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. क्लियर? हाँ जी. नेक्स्ट इज द एक्टिवेशन ऑफ जाइगोटिक हंचबैक एक्सप्रेशन बाय बाइकॉइड प्रोटीन इलस्ट्रेट व्हाट प्रिंसिपल इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन एम्ब्रियोस. नाउ बोला क्या गया है, बाइकॉइड है वो आपका रेगुलेट करती है. अब बाइकॉइड बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको एक्सिस जैसे बताऊं, सो
अगर मैं ये बोलूँ इंटीरियर है, यहाँ पे पोस्टीरियर है, तो यहाँ पे ऐसे ग्रेडियंट बनता है, ऐसे ग्रेडियंट बनता है, यहाँ पे दिस इज बाइकॉइड एंड दिस इज नैनोस। मतलब आप बोल सकते हो बाइकॉइड जो है वो इंटीरियर एक्सिस पे ज्यादा होता है एंड नैनोस जो होता है वो पोस्टीरियर पे होता है, एंड एज अ ग्रेडियंट जैसे ही इंटीरियर साइड जा रहा है यहाँ पे इसका लेवल डाउन हो गया, एंड बाइकॉइड जैसे ही पोस्टीरियर साइड जाता है इसका लेवल डाउन हो जाता है। एंड बात करें हंचबैक और कॉडल की, तो वो आप बोल सकते हो नॉर्मल रेंज पे दोनों जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हंचबैक भी एंड कॉडल भी। अब हमने बात करी कि जो जाइगोटिक हंचबैक का एक्सप्रेशन, अब हंचबैक को बाइकॉइड रेगुलेट करता है एंड उसका एक्सप्रेशन किसी में आता है, फिर इंटीरियर एक्सिस की स्पेसिफिकेशन में ही देखने को मिलता है। सेम गोज विद द नैनोस एंड कॉडल, ठीक है, ये दोनों दोनों चीज जो है एक दूसरे की रेगुलेशन करते हैं। अब बोला गया है कि इसके लिए आपकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन जो है कैसे मिलती है। सो द मदर कैन इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट थ्रू द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू द एग, या फिर अ ग्रेडियंट ऑफ प्रोटीन कैन एक्टिवेट अ जीन इन डिस्क्रीट रीजन ऑफ एन एम्ब्रियो थ्रू अ थ्रेशहोल्ड इफेक्ट। सी इज द आइडेंटिटी ऑफ सेगमेंट्स इन द एम्ब्रियो इज द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पोजिशन इन द एम्ब्रियो। D is a cascade of gene activations occurs in the syncytial blastoderm. Now यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो एक ग्रेडियंट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, एक ग्रेडियंट बन रहा है प्रोटीन का एंड उसी की वजह से स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। सो यहाँ पे देखो ग्रेडियंट ऑफ प्रोटीन कैन एक्टिवेट अ जीन इन अ डिस्क्रीट रीजन। अब यहाँ पे ये ग्रेडियंट है, ठीक है, मींस अब बाइकॉइड यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे एक्टिवेट होगा, यहाँ पे लो है यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा। सेम गोज विद नैनोस, नैनोस पोस्टीरियर पे हाई है ग्रेडियंट इसका, तो यहाँ पे एक्टिवेट होगा, यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा। सो ऑप्शन बी जो है हमारी यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट इज द एडल्ट बॉडी प्लान ऑफ The fly is based on retreating structures called segments. ठीक है, अब ड्रोसोफिला अगर आपने देखी होगी तो आप देख सकते होंगे कि उसकी बॉडी जो है बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सेगमेंट्स के बाद भी फिर पैरा सेगमेंट्स आते हैं, ठीक है, जब भी हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हम सेगमेंट्स देखते हैं, उसके बाद पैरा सेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। सेगमेंट्स प्रिकर्सर्स पैरा सेगमेंट्स आर फर्स्ट पोजीशन्ड एट द सेल बाय सेल लेवल बाय व्हिच ग्रुप ऑफ जीन्स। नाउ बोला गया है कि पैरा सेगमेंट्स के लिए, अब सेगमेंट्स के लिए भी अगर मैं हम बोले कि पैरा सेगमेंट्स हैं उसके लिए कौन से जीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। सो इज इट मेटर्नल जीन सच एज बाइकॉइड, गैप जीन सच एज क्रूपल, पेयर रूल जीन सच एज इवन स्किप्ड, या फिर सेगमेंटेशन जीन सच एज एनग्रेड। हमसे किसके लिए पूछा है, हमसे पूछा है पैरा सेगमेंट्स के लिए। अब पैरा सेगमेंट्स के लिए अगर आप वहां पे देखोगे जब भी आप जीन्स पढ़ते हो, सो कौन से जीन्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर द पेयर रूल जीन सच एज इवन स्किप्ड, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया। नेक्स्ट इज म्यूटेशन इन होमियोटिक जीन्स कैन लीड टू व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंटल डिफेक्ट। अब जो होमियोटिक जीन्स है ना, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है होमियोटिक जीन्स, जो आपके हॉक्स जीन्स हैं, हॉक्स जीन्स आते हैं इसमें। हॉक्स जीन्स क्या करते हैं बेसिकली, वो आप बोलते हो एक पूरी की पूरी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म को उनके कैसे उनकी पूरी फॉर्मेशन होगी, बॉडी की डेवलपमेंट होगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी सेगमेंटेशन हो रही है, डिवीजन बॉडी का होना है, पार्टीशन जहां जहां भी होनी है, उसके लिए ये आपके होमियोटिक जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब अगर इनमें ही म्यूटेशन आ जाती है तो आपको क्या विजिबल रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। सो ऑप्शन ए है द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो डज नॉट डेवलप। अब सिर्फ इंटीरियर नहीं डेवलप करेगा, क्योंकि होमियोटिक जीन्स में आएगी तब तो पूरे की पूरी बॉडी ही अफेक्ट होगी, नॉट ओनली इंटीरियर रीजन, ठीक है। सो दैट इज नॉट करेक्ट। बी इज सेवरल एडजेसेंट सेगमेंट्स विल बी मिसिंग फ्रॉम एन अदरवाइज इंटैक्ट एम्ब्रियो, कि अदरवाइज नॉर्मल बनेगा लेकिन कुछ सेगमेंट्स मिसिंग होंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, पूरी आपका एम्ब्रियो जो है वो अफेक्ट होने वाला है। सी इज सेगमेंट एंड कंपार्टमेंट्स बाउंड्रीज विल फेल टू फॉर्म, नो।
डी इज द डेवलपमेंट ऑफ सेगमेंट्स विल बी चेंज्ड होलसेल फ्रॉम देयर नॉर्मल आइडेंटिटी टू दैट ऑफ अ डिफरेंट सेगमेंट, दैट इज ट्रू. ठीक है, जो भी आपकी नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही थी सेगमेंट्स की वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी. ठीक है, जो भी उनकी नॉर्मल आइडेंटिटी थी वो कंप्लीट चेंज हो जाएगी और डिफरेंट सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे. वाई? क्योंकि आपकी होमियोटिक जीन्स जो हैं, जो कि आपकी सेगमेंटेशन के लिए हेल्पफुल हैं, वहां पे डिफेक्ट आ चुका है. सो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स इज एक्सप्रेस्ड एट द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ईच पैरा सेगमेंट. अब सेगमेंट्स की हमने बात कर ली, सेगमेंट्स के बाद पैरा सेगमेंट्स आते हैं, दो सेगमेंट के बीच में पैरा सेगमेंट्स आते हैं, उनमें भी फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर पोलैरिटी जो है वो देखी जाती है. अब बोला गया है कि जो पैरा सेगमेंट्स हैं उन्हीं के भी पोस्टीरियर एंड में कौन सा इनमें से आपके पास जीन जो है वो देखने को मिलता है. इज इट एनग्रेड, हेजहॉग, विंगलेस, पास्ट? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, पार्ट बी का क्वेश्चन. अब देखो पार्ट बी में आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट जो फैक्ट है ये फैक्ट है, यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन नहीं है, जो आपने पढ़ा है वहां से उठ के आया है. अगर पढ़ा होगा ढंग से तो तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. दैट्स व्हाई पार्ट बी थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स जो है उनको लर्न करना पड़ता है. ठीक है, सो दैट शो कि एक बार ढंग से गो थ्रू करोगे तो आपको ये चीजें ईजी लगेंगी. ठीक है, सो पूछा गया है कौन सा आपका ऐसा जीन्स है जो कि पोस्टीरियर रीजन में एक्सप्रेस होते हैं इन ईच पैरा सेगमेंट. सो दे आर द विंगलेस. ठीक है, जब भी आप पढ़ते हो सो विंगलेस जो है वो एक आपका आप बोल सकते हो एक्सप्रेस्ड होता है एट द पोस्टीरियर रीजन ऑफ ईच पैरा सेगमेंट. सो ऑप्शन सी जो है वो हमारी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी. नेक्स्ट, इन एन अर्ली क्लीवेज स्टेज वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला एम्ब्रियो इज इंजेक्टेड विद बाइपॉइड एमआरएनए एट द पोस्टीरियर पोल. अब क्या बोला है, एक वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला है. वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला मीन्स क्या बनेगा, यहाँ पे नॉर्मल आपका हेड रीजन बनेगा, उसके बाद थॉरेक्स बनेगा एंड एब्डोमन. अब एज यू नो यहाँ पे A1 टू A8 सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमन में, T1, T2, T3 होता है. हेड में आपके एंटीना प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पे जीन्स कौन कौन से थे, यहाँ पे थे आपके बाइकॉइड प्लस हंचबैक. यहाँ के लिए आपके जो पोस्टीरियर रीजन के लिए थे दैट वॉज नैनोस प्लस कॉडल. ठीक है, यही थे ना, इनका ग्रेडियंट बन रहा था. तो बोला क्या जाता है कि जो वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला है सब कुछ उसका ठीक बन रहा है, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, बाइकॉइड एमआरएनए और बाइकॉइड हम डाल रहे हैं कहां पे, पोस्टीरियर रीजन पे. ठीक है, पोस्टीरियर रीजन पे हम बेसिकली डाल रहे हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा. तो ऑप्शन है हेड स्ट्रक्चर ड्वेल पैक पोस्टीरियर पोल वाइल द सेम इज इनहिबिटेड एट द इंटीरियर पोल. अब देखो यहाँ पे बाइकॉइड है तो हेड बन रहा है, यहां भी आपने बाइकॉइड इंसर्ट कर दिया मींस हेड यहां भी बनेगा. ठीक है, हेड यहां भी बनेगा, लेकिन वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल तो एक बन ही रहा है, एक एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो बोला गया है कि हेड स्ट्रक्चर डेवलप होंगे पोस्टीरियर पोल में, यहां तक ठीक है, लेकिन वाइल द सेम इज इनहिबिटेड एट एंटीरियर पोल. एंटीरियर पोल में इनहिबिट करने के लिए कौन है भाई, यहाँ पे तो कोई भी ऐसा जीन फैक्टर नहीं है कि जो यहाँ पे क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है. सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बी इज हेड स्ट्रक्चर्स फॉर्म बोथ पोल्स. सी इज हेड स्ट्रक्चर आर नॉट फॉर्म्ड एट पोस्टीरियर पोल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोस्टीरियर मॉर्फोजन्स. फोर्थ इज डुप्लीकेशन ऑफ यूजुअल पोस्टीरियर स्ट्रक्चर अकर्स. अब डुप्लीकेशन कैसे होगी, दोनों पोर्स में आपको देखने को मिलेंगे. तो ऑप्शन टू जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. बहुत इजी क्वेश्चन है देखो, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना था, आपको देखना था ऐसे बना के कि हाँ जी हेड जो है वो बाइकॉइड बनाता है, रिस्पॉन्सिबल है, इंटीरियर पे बनेगा. जैसे ही हम पोस्टीरियर रीजन पे देते हैं तो एक्स्ट्रा हेड स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है, मीन्स बोथ पोर्स पे हेड जो है वो आपको देखने को मिलेंगे. राइट, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है दैट वुड बी आंसर टू. नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग द पैटर्निंग ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी प्लान ऑफ ड्रोसोफिला. अब एपी एक्सिस पे ही आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन है, हैव टू पिक द राइट वन, कॉम्बिनेशन में है. सो ऑप्शन ए है माइक्रो इंजेक्शन ऑफ बाइकॉइड एमआरएनए इन द मिडल ऑफ
बाइकॉइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हेड इन द मिडल एंड टेल्सन एट द टू एंड्स. टेल्सन मींस टेल वाला रीजन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है. अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल में क्या बनता है, यह है वाइल्ड टाइप. ठीक है, हेड बनेगा, यहाँ पे एंटीना भी बनेगा बेसिकली. और हेड जो है वो कैसे बनेगा, हेड बनेगा यहाँ पे आपका बाइकॉइड प्लस टॉर्सो जीन. ठीक है, दोनों जीन आते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उसके बाद यहाँ पे थॉरेक्स बनेगा और एब्डोमन बनेगा. अब एब्डोमन जो है वो यहाँ पे कौन से आपके मेजरली जीन्स हैं, दैट इज नैनोस प्लस कॉडल. एंड जो लास्ट वाला यहाँ पे टॉर्सो हमने बोला था ना, जो टर्मिनल डिसाइड करता है कि हेड यहाँ पे एंटीना बनेगा, जो एंटीना वाला जो था ना माउथ एंटीना वाला, वहां पे बाइकॉइड प्लस टॉर्सो दोनों चाहिए तभी बनेगा. यहाँ पे टेल बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्सो ही चाहिए. ठीक है, ये है, दैट इज टेल्सन टेल. अब बोला गया है कि अगर माइक्रो हम क्या कर रहे हैं, हम मिडल में बाइकॉइड, एक बाइकॉइड डेफिशियंट एम्ब्रियो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, मिडल में, नॉट इन फ्रंट हेड पे भी नहीं, पोस्टीरियर पे नहीं, मिडल में हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, बाइकॉइड एमआरएनए जिसमें बाइकॉइड प्रेजेंट नहीं है. जब हम मिडल में देंगे तो डेफिनेट सी बात है कि हेड बनेगा. कहां बनेगा, मिडल में ही बनेगा. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ हेड इन द मिडल यहां तक करेक्ट है. एंड टेल्सन एट टू एंड्स. अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि दोनों एंड्स में फिर क्या बनेगा, फिर टेल बनेगी. तो टेल एक एंड पे तो बन ही रही है जहां पे सिर्फ टॉर्सो चाहिए, दूसरे एंड पे यहाँ पे अगर बाइकॉइड होता तब हमारा हेड बनता. लेकिन अब इन्होंने बोला यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी टेल ही बनेगी. क्यों बनेगी, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्यों बनेगी, क्योंकि बाइकॉइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो है, बाइकॉइड हम सिर्फ मिडल में दे रहे हैं. यहाँ भी बाइकॉइड नहीं है, यहाँ भी बाइकॉइड नहीं है, मतलब यहाँ भी टेल बनेगी, यहाँ भी टेल बनेगी. वाई, क्योंकि अकेला टॉर्सो है यहाँ पे विदाउट बाइकॉइड. ठीक है, अकेला टॉर्सो है तो क्या बनाएगा, वो टेल ही बनाएगा. सो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट टेल्सन दोनों एंड्स पे टेल्स टेल्सन देखने को मिलेगी एंड हेड आपको मिडल में देखने को मिलेगा. सो ऑप्शन ए जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है. अब देखो ए इसमें है नहीं है तो फोर्थ हम एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज नैनोस प्रोटीन इनहिबिट्स द ट्रांसलेशन ऑफ कॉडल एमआरएनए एट द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द एम्ब्रियो. उन्होंने क्या बोला है कि नैनोस इनहिबिट कर रहा है किसको, कॉडल को. लेकिन हमने क्या देखा, नैनोस कॉडल को इनहिबिट नहीं करता, प्रमोट करता है, दोनों मिलके स्पेसिफाई करते हैं पोस्टीरियर को. सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नाउ बी इनकरेक्ट हो गया, तो हमारी यहां से ऑप्शन वन भी एलिमिनेट हो गई. अब यहां पे देखो सी दोनों में है, मींस सी स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही. सी देख लेते हैं, द बाइकॉइड प्रोटीन एक्टिवेट्स द जाइगोटिक एक्सप्रेशन ऑफ हंचबैक जीन, बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट इज द सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सेगमेंट्स ऑफ द एम्ब्रियो, दैट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. ठीक है, तो हमारी करेक्ट हो गई, दैट इज ए सी डी, नॉट ओनली ए एंड सी, ए सी डी ऑप्शन थ्री. सो ये रिसेंटली आपके आई थिंक 2022 में या 23 में ये क्वेश्चन आपके नेट में आ चुका है. ठीक है, तो देख सकते हो आप, बहुत एक्सट्रीम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट थ्री एम्ब्रियोस एक्स वाइल्ड टाइप, क्या क्या है, एक्स है दैट इज वाइल्ड टाइप, नेक्स्ट वाई जो है दैट इज म्यूटेंट फॉर बाइकॉइड, यहाँ पे बाइकॉइड म्यूटेंट है, एंड जेड जो है That is mutant for nanos. ठीक है, जेड जो है that is mutant for nanos. तीन आपके पास जो है वो एम्ब्रियो है. अब क्या किया हमने, दे वर इंजेक्टेड विद बाइकॉइड एमआरएनए इन देयर पोस्टीरियर पोल. इसमें भी हमने क्या डाला, यहां भी बाइकॉइड डाला, यहां भी बाइकॉइड और यहां भी बाइकॉइड. ठीक है, तीनों में हमने बाइकॉइड दे दिया. कहां पे दिया, पोस्टीरियर रीजन पे. तीनों में हमने पोस्टीरियर रीजन पे यहां पे बाइकॉइड दिया. नाउ पूछा क्या गया है, पूछा गया है दैट व्हाट कुड बी द फिनोटाइप. फिनोटाइप क्या आपको देखने को मिलेगा. अब देखो नॉर्मल में नॉर्मल है, लेकिन आप पोस्टीरियर में अगर क्या करोगे, बाइकॉइड दोगे, तो नॉर्मल एक बाइकॉइड बनाता क्या है, बाइकॉइड रिस्पॉन्सिबल है हेड के लिए. ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, पोस्टीरियर रीजन में दे रहे हो, मींस पोस्टीरियर में हेड जो है सभी में बनने वाला है. क्यों, क्योंकि आपने बाइकॉइड पोस्टीरियर में दे दिया.
अब देखो वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप में एक हेड तो एंटीरियर पे भी होगा, एक पोस्टीरियर पे भी, तो एक्स वाले एम्ब्रियो पे दो हेड आपको देखने को मिलेंगे। मिलेंगे क्यों? वाइल्ड टाइप है, एक ऑलरेडी है, एक आपने इंसर्ट करके एक और जो है वहां पे फॉर्म हो गया। इसमें क्या है, इसमें बाइकॉइड डेफिशिएंट है। बाइकॉइड डेफिशिएंट है मतलब एंटीरियर पे हेड प्रेजेंट नहीं होगा। नहीं क्यों होगा? क्योंकि बाइकॉइड है ही नहीं, एब्सेंट है, म्यूटेंट है। बट पोस्टीरियर पे प्रेजेंट होगा। वाई? क्योंकि आप पोस्टीरियर पे यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नैनोस डेफिशिएंट है। अब नैनोस डेफिशिएंट है मतलब एंटीरियर रीजन पे तो हेड होगा, पोस्टीरियर पे भी बाइकॉइड दोगे तब पोस्टीरियर पे भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहां से कंक्लूड करो, कंक्लूड क्या है, कंक्लूजन क्या है कि एक्स और जो आपका जेड है उन दोनों में दो दो हेड आपको देखने को मिल रहे हैं, वाई जो आपका वाई है उसमें सिर्फ एक ही हेड देखने को मिलेगा एट द पोस्टीरियर रीजन। तो अब स्टेटमेंट देखते हैं, दैट एम्ब्रियो एक्स विल डेवलप हेड ऑन बोथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एक्स जी, हाँ जी, इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पे करेगा। वाई? एम्ब्रियो वाई एंड जेड विल डेवलप हेड ऑन पोस्टीरियर, नहीं, जेड जो है वो भी दोनों पे करेगा। सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सी सेकेंड है, एम्ब्रियो एक्स एंड जेड, नाउ एक्स एंड जेड will develop head on both posterior and anterior, correct है, while embryo Y will develop head on posterior, correct है, ठीक है, ये हमें correct लग रहा है। फिर भी हम third fourth देखेंगे, embryo XYZ will develop नहीं, that is wrong, दोनों में, तीनों में जो है दोनों side नहीं होगा। fourth is embryo X will develop head on anterior, Y will develop no head, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सो ऑप्शन हमारी यहाँ से करेक्ट कौन सी है, दैट इज ऑप्शन टू। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको मेजर फैक्टर्स पता होने चाहिए कि कौन से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड थ्रू म्यूटाजेनेसिस स्टडीज इन ड्रोसोफिला ऑल्सो फंक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स लाइक अस। अब इनमें से कौन से ऐसे जीन्स है जो कि हम में भी सेम फंक्शनिंग करते हैं, लेकिन उनकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी, वो ड्रोसोफिला में हुई थी, लेकिन फंक्शनिंग हम में भी है उनकी। कौन से हैं? हेजहॉग देखा जाता है, होमियोबॉक्स हॉक्स जीन्स, WNT, टोल सिग्नलिंग, सारे जो है ये मैमल्स में भी देखे जाते हैं। जब भी आप सिग्नलिंग पढ़ोगे तब आप देखोगे इन सब के सब जीन्स का जो रोल है वो मैमल्स में भी आता है। तो ऑप्शन जो करेक्ट वुड ऑप्शन ई, राइट, ऑप्शन ई जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ड्रोसोफिला के टॉपिक से आ सकते हैं। मेजरली हमने देखा एक्सिस फॉर्मेशन से ही आते हैं, एंड जो भी जीन्स उस पर इन्वॉल्व है वहां से आते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।